खेतिया में अवैध जुआ सट्टा पर कार्रवाई कर 8 आरोपियों को पकड़ा गया है। उनसे 39,000 रुपए जब्त किए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पदम सिंह बघेल के अनुसार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जुआ सट्टे की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राजपुर, थाना प्रभारी जुलवानिया, थाना प्रभारी पानसेमल के साथ खेतिया शहर के मेहरवान गली में लखन बागुल के यहाँ दबिश दी गई, जहाँ जुआ खेलते हुए लखन बागुल सहित 8 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 39,000 रुपये नकदी, 52 ताश के पत्ते जब्त किए। पुलिस द्वारा गैम्बलिंग एक्ट के तहत कायमी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड निकाले गए। बड़वानी जिले में जुआ सट्टा पर अंकुश लगाए जाने के बाद भी अवैध गतिविधियों के नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि लखन बागुल और उनके मकान में जुआ, अवैध रूप से जुआ और सट्टा खिला रहा है और अवैध शराब भी बेच रहा है। इस सूचना पर सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराकर आज थाना प्रभारी पानसेवल, थाना प्रभारी राजपुर, थाना प्रभारी जुलवानिया की एक संयुक्त टीम गठित कर दबिश दी गई। उसमें कैश 39,000 रुपये मिले और 9 आरोपी गिरफ्तार किए। अवैध शराब 26 बियर, 25 देसी शराब क्वार्टर और 26 बॉम्बे इसकी जब्त की गई और अपराध पंजीबद्ध करके अनुसंधान किया जा रहा, कार्रवाई की गई है। खेतिया से जयेश पटेल की रिपोर्ट।